What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. आज है 4th September 2020, फ्राइडे है, सुबह के 8:42 हो रहे हैं। फ्राइडे है, हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है। मंडे को जो हमने 500 पॉइंट्स का एक फॉल देखा, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा सहम सा गया है। बुल्स है जो काफी अलर्ट हो चुके हैं, सतर्क कॉशियस हो गए लॉन्ग करते वक्त, और भी एक बॉटम मिले इसके लिए वेट कर रहे हैं। लेकिन जो लास्ट 3 दिन का एक कंसोलिडेशन फेज देखने को मिल रहा है, ये थोड़ा सा मार्केट में फियर है, इसके वजह से यहाँ पर एक साइडवेज पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। ये कल का पिक्चर है, यानी 3rd September आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर ही आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बना रहा था 11,555 और ब्रेकडाउन लेवल बना रहा था 11,430। लास्ट डे जो हमने वेनसडे का चार्ट देखा था, तभी एक इनसाइड बार ट्रेडिंग फॉर्मेशन हुआ था, यानी साइडवेज पैटर्न, इनडिसिजिव पैटर्न, जहां पर ना बुल्स जीत पा रहे ना बेयर्स जीत पा रहे। तो सेम सिचुएशन कल कंटिन्यू हमें देखने को मिला। एक्सपायरी का दिन था, काफी वोलेटाइल मार्केट था, ट्रेंडलेस मार्केट इसे कहा जाएगा। ब्रेकआउट लेवल के ऊपर शुरू में तो ये ओपन हुआ, यहाँ पर शुरू में तो कोई ट्रेंड नहीं बना, और जैसे ये टूवर्ड्स साउथ जाकर फिर से टूवर्ड्स ये नॉर्थ की तरफ आया, तो हमारे ब्रेकआउट लेवल के पास काफी देर ये पेनेट्रेट होते रहा, और फर्स्ट टारगेट भी इसने 11,574 ऑलमोस्ट यहाँ पर अचीव कर लिया, और काफी देर ये इस ब्रेकआउट और टारगेट लाइन के बीच में ये काफी देर ट्रेड होते रहा। तो यहाँ पर कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 8 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 6,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। ट्रेंडलेस मार्केट है। सबसे पहले ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं, फिर निफ्टी के चार्ट के ऊपर जाके आज के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ग्लोबल मार्केट में कल देखे तो यूएस मार्केट जो नए हाईस क्रिएट कर रहा था नासडैक, वहां से एक जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग करेक्शन देखने को मिल रहा है। 600 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिल रही है यूएस मार्केट में। यूरोपियन मार्केट भी देखे तो लगातार कई वीक से यहाँ पर कमजोरी देखने को मिल रही थी लास्ट 2 वीक से, तो कल भी यहाँ पर सभी लाल निशान में बंद हो चुके। एशियाई बाजार भी लगभग सभी लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी 136 पॉइंट के गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल एशियाई बाजारों में कमजोरी साफ देखने को मिल रही है। डाउ जोन्स की अगर बात करें, डाउ फ्यूचर की, तो यहाँ पर 100 पॉइंट की गिरावट इस समय दिखा रहा है। तो हफ्ते के लास्ट ट्रेडिंग सेशन एक कमजोरी पूरे ग्लोबल मार्केट्स में देखने को मिल रही है। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। वीकली चार्ट में जैसे कि यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को हमने ड्रॉ किया था, तो 100% के लेवल के बाद जहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, तो अभी नेक्स्ट जो लेवल बन रहा था 123.6 का, यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस करके एक प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है। तो अगर यहाँ से ये जब नीचे आएगा, अगर नीचे आता है तो जो सपोर्ट होगा वो जो यहाँ पर 100 EMA के पास इसने लगातार 4 वीक यहाँ पर इस लेवल को पेनेट्रेट किया था, तो 11,200 फर्स्ट इमीडिएट सपोर्ट होगा अगर ये टूवर्ड साउथ की तरफ और गहराता है तो। अगर इन ट्रेंड लाइंस के मूविंग एवरेजेस की बात करें, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, तो यहाँ पर एक गोल्डन क्रॉस ओवर बन सकता है, ये यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पर गोल्डन क्रॉस ओवर बनता है तो यहाँ पर और तेजी निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिल सकती है। क्रॉस, गोल्डन क्रॉस ओवर यानी एट ए टाइम तीनों मूविंग एवरेजेस एक दूसरे को क्रॉस करके एक बुलिश सेटअप यहाँ पर देखने को मिलता है, यानी शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, ये तीनों असेंडिंग ऑर्डर्स में आ जाते हैं और इसके ऊपर ये निफ्टी इंडेक्स ट्रेड करने लगता है, तो इसे गोल्डन क्रॉस ओवर कहा जाता है। तो ये वीकली चार्ट का सीनर है। चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में जैसे कि ये हम फॉल देख रहे थे, तो यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को हमने यहाँ पर ड्रॉ करके देखा था कि ये एग्जैक्ट 50% के लेवल के पास ये जो लॉन्ग बेयरिश कैंडल बना है, इसने यहाँ पर सपोर्ट टेस्ट किया। तो अगर यहाँ से इमीडिएट अगर करेक्शन, जैसे कि ग्लोबल मार्केट के हालात देख रहे हैं, अगर यहाँ से काफी गिरावट आती है तो फर्स्ट इमीडिएट सपोर्ट यहाँ पर 11,450, उसके बाद 20 EMA जो कि अराउंड 11,387 के पास है, ऑलमोस्ट 11,400, और उसके बाद 11,338 के ये जो लेवल से ये सपोर्ट का काम कर सकते हैं, और फिर ये छोटा स्विंग हाई बन के अगर यहाँ से सपोर्ट लेके बाउंस बैक होता है तो यहाँ पर राइजिंग बॉटम्स देखने को मिल सकते हैं।
और तभी मार्केट यहाँ से और टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ जा सकता है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन अगर 20 EMA को, अगर ये पिंक लाइन जो है इसको अगर ब्रेक कर देता है, ये सपोर्ट को अगर ब्रेक करते हैं, तो निफ्टी इंडेक्स फिर से एक बार टूवर्ड साउथ की तरफ हमें ट्रेंड करते हुए दिखाई दे सकता है। तो ये डेली और वीकली चार्ट का सिनेरियो है अब तक का। चलते 60 मिनट की चार्ट में क्विकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। ये जो 3 दिन का रेंज बन रहा है, साइडवेज पैटर्न है, बिल्कुल भी यहाँ पर ट्रेंड नहीं दिख रहा है। तो ये इसका जो टॉप का लेवल है, ये जो 3 दिन का एक साइडवेज पैटर्न बन रहा है, इसका जो अपर लेवल है यानी 11,570, इसके ऊपर ये क्लोज नहीं हो पा रहा है, जहाँ पर आज पिवट पॉइंट का R1 का लेवल आ रहा है। तो इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ये इंट्राडे के लिए क्लियरली हम यहाँ पर बाय बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,589, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 11,612, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और जो लोअर लेवल बन रहा है, ये अराउंड पिवट पॉइंट का ये जो है S3 का लेवल है, इसी के पास ये इसका लोअर लेवल बन रहा है 3 दिन के साइडवेज पैटर्न का। तो कंफर्टेबली अगर 11,416 के नीचे सस्टेन करता है 10 या 15 मिनट की चार्ट में, तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,389 और सेकेंड टारगेट होगा 11,366, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। अगर एक्सट्रीम गैप डाउन ओपन होता है और इन सेकेंड टारगेट के लेवल के नीचे सस्टेन करता है हाफ एन आवरली चार्ट में, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं, अदरवाइज वेट एंड वॉच करना काफी फायदेमंद साबित होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, 5paisa है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं, तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है, ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में।